दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 79.88% छात्र पास। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के परिणाम कल दिन गुरुवार 31 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे जारी कर दिया गया। इसी के साथ रिजल्ट जारी किए जाने को लेकर करीब 16 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार भी कल खत्म हो गया। आपको बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 79.88% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। अगली बड़ी खबर, गोह की रमायणी राय ने मैट्रिक परीक्षा में 487 अंकों के साथ बनी बिहार टॉपर। जी हां, औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड मुख्यालय न्यू एरिया मोहल्ले की निवासी रमायणी राय ने मैट्रिक परीक्षा में 487 अंक लाकर बिहार टॉपर बनी है। बिहार टॉपर बनकर रामायणी ने गोह समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया। रामायणी पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर से मैट्रिक की परीक्षा दी और पूरे जिले का नाम रोशन किया। पिता डॉक्टर जितेंद्र कुमार भोला बेटे ने डॉक्टर है जो बोधगया में पोस्टेड है, जबकि मां किरण कुमारी गोह गांधी स्मारक इंटर स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। वही अगली बड़ी खबर, पिता बेचते हैं मिठाई, बेटी बनी बिहार बोर्ड मैट्रिक की सेकंड टॉपर। जी हां, नवादा जिले के रजौली स्थित सोनर पट्टे में मिठाई दुकान चलाने वाले उदय प्रसाद कंदवी की बेटी सानिया कुमारी ने कमाल कर दिया। सानिया बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 486 अंक प्राप्त कर सूबे में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रजौली के माहौली टोला नीचे बाजार की निवासी सानिया प्रोजेक्ट न्याय स्कूल रजौली की छात्रा रही है। सानिया ने आरंभिक पढ़ाई एक निजी विद्यालय से की है, जबकि 7वीं से 8वीं तक की पढ़ाई राजकीय कन्या मध्य विद्यालय रजौली में। वह अपनी सफलता के श्रेय अपने गृहिणी माता किरण देवी समेत अपने 2 बड़ी बहनों तथा खुद से बड़े भाई समेत अपने गुरुजनों को देती है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक की परीक्षा में आधे हुए टॉपर्स की संख्या, पिछले साल टॉप 10 में 101 स्टूडेंट, इस बार मात्र 47 छात्र जिनमें 15 लड़कियां। जी हां, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी मैट्रिक के रिजल्ट में इस साल टॉपर्स की संख्या पिछले साल से आधी हो गई है। पिछले साल जहां टॉप 10 की सूची में 101 स्टूडेंट ने जगह बनाई थी तो इस साल घटकर मात्र 47 ही रह गई है। पिछले साल इस सूची में 36 छात्राएं थी जो इस साल घटकर मात्र 15 ही रह गई है। 2020 में कुल 41 छात्राओं ने टॉपर्स की सूची में जगह बनाई थी, तब 41 में से 10 यानी 25% छात्र शामिल थे। आपको बता दें कि 7 साल बाद मैट्रिक टॉपर का अंक 97% से ज्यादा आया है। टॉपर रमायणी राय को 487 अंक मिले हैं। इससे पहले 2015 में मैट्रिक में टॉपर रहे कटिहार के कुणाल और नालंदा के नीरज को 487 अंक यानी 97.4% अंक मिले थे। पिछले साल से इस बार टॉपर्स के मार्क्स 3 अंक अधिक रहे हैं। पिछले साल के तीनों संयुक्त टॉपर पूजा कुमारी सुबरदशनी और संदीप कुमार को 484 अंक मिले थे। 2020 के टॉपर हिमांशु राज को 481 अंक मिले थे। बिहार बोर्ड में अब तक का सबसे अधिक अंक 97.4% है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के टॉपर्स को ऐसे प्रोत्साहित करेगी सरकार, फर्स्ट टॉपर को 1 लाख, सेकंड को 75,000, थर्ड टॉपर को 50,000 मिलेगा। जी हां, बिहार बोर्ड की ओर से कल गुरुवार को रिजल्ट जारी किया गया। सरकार मैट्रिक स्तर पर मेगा को प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपए लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर प्रदान करेगी। वहीं सेकंड टॉपर को सरकार 75,000 रुपए 1 लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर देगी। थर्ड टॉपर को सरकार 50,000 रुपए 1 लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर देगी। इनके अलावा 10वीं रैंक तक आने वाले स्टूडेंट को भी सरकार किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करेगी, कैश भी देगी। बता दें कि किंडल ई बुक रीडर के जरिए स्टूडेंट कई तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। ये डिजिटल किताबें होती है, इससे किताबें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में खैनी ठोकने वाले शिक्षकों के सामने खैनी खाते समय पकड़े जाने पर होंगे सस्पेंड। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने वाले पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुए तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सुबह के सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े आराम से खैनी बनाते हैं और खाते हैं। खैनी खाने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों ने तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है।
बड़ी खबर, बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू होगी ये बढ़ी हुई दरें। यह श्रम उन्मूलन की दिशा में नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अंदर 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया है। बिहार के अंदर दैनिक मजदूरी में 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक रोजाना की वृद्धि की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने बढ़ते हुए महंगाई के आधार मानते हुए न्यूनतम मजदूरी में इजाफे की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि समान नियोजनों के तहत काम करने वाले अकुशल या अर्ध कुशल मजदूरों की मजदूरी में 12 रुपए, कुशल की 15 रुपए तो अति कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में रोजाना 15 रुपए का इजाफा किया है। जबकि पर्यवेक्षी और लिपिकीय कामगारों को 340 रुपए महीने के और अधिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, राज्य के स्कूलों में 8,000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। जी, बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में इस बार 3 लाख से अधिक परीक्षार्थी फेल, जाने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन के बारे में। जी, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में इस बार कुल 6,78,110 छात्र पास हुए हैं, जबकि 6,08,861 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। इस बार कुल 3,24,128 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। कुल 8,20,179 छात्रों ने परीक्षा दिया था, जिनमें से 6,78,110 पास हुए हैं, जबकि 1,42,069 फेल हुए हैं। वही कुल 7,90,920 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थी, जिनमें से 6,08,861 छात्राएं पास हुई है और 1,82,059 छात्राएं फेल हुई है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड देश भर में नंबर 1, इंटर के बाद अब मैट्रिक के रिजल्ट में बनाया अनोखा रिकॉर्ड। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया। रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट www.result.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड पिछले कुछ सालों से लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। रिजल्ट बेहद ही कम समय के अंतराल में जारी करके बोर्ड पूरे देश में एक नजीम पेश कर चुका है। हाल में इंटर परीक्षा का परिणाम 1 महीने के अंदर जारी करने वाला बिहार बोर्ड अब मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट और भी कम समय में जारी कर चुका है। अन्य बोर्ड की बात करें तो वो इस मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। खबर, बिहार में अनाज पर चलना होगा महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहा है टोल टैक्स। जी, अगर आप भी सड़क मार्ग से लंबा सफर करते हैं तो बिहार में अनाज का इस्तेमाल करना अब आपके लिए पहले से ज्यादा महंगा होगा। बिहार में अब NH-57 पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को जोड़ने वाले इस पर 1 अप्रैल से गाड़ियों का दौड़ना महंगा हो जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 12% के इजाफे के बाद NHI ने 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर 8 से 11% तक के टोल टैक्स में इजाफा करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि NH-57 पर 10% टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मैठी स्थित टोल प्लाजा सहित पूर्णिया तक पहुँचने में 4 टोल प्लाजा पर 8.33 से लेकर 10.32% तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। पर गर्मी आने से पहले ये 29 फुट नीचे गया बिहार के इस शहर का भूजल स्तर, पानी खींचने में हाँप रहे हैं निगम के पंप। जी, मुजफ्फरपुर शहर में गर्मी के दमक के साथ बड़ी तेजी से शहरी क्षेत्र का भूजल स्तर नीचे जा रहा है। इससे नगर निगम के जलापूर्ति पंप पानी खींचने में हाँपने लगे हैं। इससे सप्लाई के पानी का फ्लो काफी कम हो गया है। प्रेशर बढ़ने से जलापूर्ति पंप में जो मोटर लगे हैं उनके जलने की शिकायतें भी बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर के बाद सबसे ज्यादा भूजल स्तर ग्रामीण क्षेत्र के सकरा प्रखंड में गिरा है। सकरा के दबाव मझोलिया बाजार के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा लगभग 20 फुट नीचे जलस्तर चला गया है। इसके बाद चंदन पट्टी केशवपुर का जलस्तर 17 फुट के आसपास है। सरमस्तपुर में 16 फुट नीचे जलस्तर बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में जलस्तर अभी काफी कम नीचे गया है। में अब जुर्माना देकर छोड़ जाएंगे शराबी, नीतीश सरकार ने कानून में किया बदलाव, विधानसभा में लगी मुहर। जी, बिहार में शराबबंदी कानून में बुधवार को बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आपको बता दें कि संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट
जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। संशोधन कानून में और क्या क्या प्रावधान होंगे, इसकी नियमावली बनेगी। अगली बड़ी खबर, इंस्पेक्टर से सिपाही तक एक जिले में 5 वर्ष तक रहेंगे, बिहार पुलिस संशोधन विधेयक पास। जी हाँ, बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार पुलिस विधेयक 2022 भी पास हो गया। प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस विधेयक के नए प्रावधानों के बारे में बताया कि इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 6 की जगह 5 वर्षों का ही होगा। वहीं किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 वर्षों तक रह सकते हैं। जिला इकाई और रेंज में इंस्पेक्टर से सिपाही तक के पुलिस कर्मियों का अधिकतम कार्यकाल नए सिरे से निर्धारित करने को लेकर बिहार पुलिस विधेयक 2022 में यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में अभी किसी एक जिला में इंस्पेक्टर से सिपाही तक की तैनाती की अधिकतम अवधि 6 वर्ष निर्धारित है। वह रेंज में 8 और जोन में यह 10 वर्ष की है। पर 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को समाप्त करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन के बाद बिहार में पुलिस रेंज की संख्या 12 हो गई है। आज के लिए आपका सवाल बताया कि बिहार में खैनी खाने वाले शिक्षकों के खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।